नमस्कार, आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। ऑक्सीजन प्लांट में सुरक्षा सप्ताह समारोह का प्रारंभ। आरएसपी में डाटा भंडारण पर एक कार्यक्रम आयोजित। और राउरकेला स्टील प्लांट के ठेका श्रमिकों के लिए दक्ष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। अब समाचार विस्तार से। संगठन के अंदर सुरक्षा संस्कृति को मजबूत करने के लिए 27 जनवरी को ऑक्सीजन प्लांट में एक सप्ताह व्यापी सुरक्षा अवलोकन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। CGM A&I श्री राम नारायण नायक ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर सुरक्षा ध्वज फहराया और कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर CGM प्रभारी सेवाएं श्री CR महापात्रो, CGM यूटिलिटी एवं एनवायरमेंट श्री आतिश चंद्र सरकार, श्री CGM सुरक्षा एवं अग्निशमन श्री S आचार्य, महाप्रबंधक प्रभारी ऑक्सीजन प्लांट श्री B मलिक, महाप्रबंधक ऑक्सीजन प्लांट सुश्री आशा S करथा और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में अधिकारियों और ठेका श्रमिकों सहित कुल 70 कर्मचारियों ने भाग लिया। ध्वजारोहण के बाद सभी को सुरक्षा संकल्प ग्रहण कराया गया। इसके बाद ब्रह्मवाणी नामक एक सुरक्षा नाटक प्रस्तुत किया गया। लघु नाटक ने PPE के उपयोग और सुरक्षा मानदंडों के पालन के बारे में ब्रह्मा से परामर्श के माध्यम से संगठन के भीतर एक सुरक्षित कार्य संस्कृति को लाने में व्यवहार परिवर्तन की आवश्यकता को दर्शाया गया है। कार्यक्रम का संचालक महाप्रबंधक ऑक्सीजन प्लांट श्री SS सैनी द्वारा किया गया। कार्यक्रम का समापन 3 फरवरी को होगा। ERP सम्मेलन कक्ष में 27 जनवरी को हिटाची VSPG 700 SAN स्टोरेज पर एक 4 दिवसीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। CGM CNIT सुश्री अताशी प्रमाणिक ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में CNIT के अधिकारियों ने भाग लिया। सुश्री प्रमाणिक ने प्रतिभागियों से अपने तकनीकी ज्ञान को बढ़ाने और अन्य सहयोगियों के बीच साझा करने के लिए प्रशिक्षण का पूरा लाभ उठाने का आग्रह किया। उल्लेखनीय है कि भंडारण क्षेत्र नेटवर्क SAN स्टोरेज डिवाइस का एक उच्च गति का नेटवर्क है जो सर्वरों के साथ उन भंडारण उपकरणों को भी जोड़ता है। यह ब्लॉक लेवल स्टोरेज प्रदान करता है जो किसी भी नेटवर्क पर चल रहे एप्लीकेशन द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। SAN स्टोरेज डिवाइस में टैप लाइब्रेरी और डिस्क आधारित डिवाइस शामिल हो सकते हैं, जैसे RAID हार्डवेयर। मेसर्स इंस्पिरस चेन्नई से SAN स्टोरेज आर्किटेक्चर और प्रशिक्षण विशेषज्ञ श्री कुमार ने सत्र का संचालन किया। प्रारंभ में महाप्रबंधक CNIT श्री YP दास ने सभा का स्वागत किया और कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। गौरतलब है कि हिटाची ने नए SAN स्टोरेज में 4 गुना अधिक कैश मेमोरी भंडारण करने की क्षमता है और वर्तमान स्टोरेज स्पेस को दुगना कर देता है। SAN के भौतिक आकार के साथ पिछले डिवाइस के आकार से लगभग 1.5 छोटा और संपंडित है। हिटाची जापान की अत्याधुनिक SAN स्टोरेज सिस्टम को सफलतापूर्वक डेटा स्टोरेज और ERP सिस्टम दोनों के प्राइमरी डाटा सेंटर में ERP और सेकेंडरी डिजास्टर डेटा सेंटर HRDC में स्थापित किया गया है। सिस्टम RSP की सभी व्यावसायिक प्रक्रियाओं से संबंधित डेटा के भंडारण की क्षमता को बढ़ाएगा जो SAP सिस्टम पर चल रहे हैं। राउरकेला स्टील प्लांट RSP में कार्य कर रहे ठेका श्रमिकों के लिए 23 जनवरी को HRDC में जागरूकता कार्यक्रम दक्ष आयोजित किया गया। RSP के विभिन्न विभागों में कार्य कर रहे 37 ठेका श्रमिकों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।
कार्यक्रम का उद्देश्य ठेका श्रमिकों को अपनाए जाने वाले सुरक्षा प्रक्रियाओं के बारे में जागरूक करना और उनके कौशल को विकसित करना है। सामान्य सुरक्षा पर एक सत्र आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के दौरान सामान्य सुरक्षा और आरएसपी में आरएसपी के लिए कार्य करना विषय पर सत्र आयोजित किया गया, जिसमें स्वयं का विकास, पारंपरिक संबंध, अनुशासन, कार्य परिस्थिति, एसओपी, एसएमपी, दलगत कार्य, कल्याणकारी सुविधाएं और विभिन्न प्रेरक योजनाएं जैसे सामान्य विषयों को शामिल किया गया। कनिष्ठ अधिकारी एचआरडी श्री एस के शुक्ला ने कार्यक्रम का संचालन किया। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार।